हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। तो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, हालांकि इसके बारे में आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो इसी टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसा आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पे एक मैसेज बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, दावा किया जा रहा है कि किडनैपिंग करने वाली गैंग घूम रही है और बच्चों को किडनैप कर रहे हैं। तो उसमें कितनी सच्चाई है, उस टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे। और इसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले जितने भी व्हाट्सएप या फेसबुक या कुछ भी ऐसी सोशल मीडिया यूज करने वाले साथी हैं, तो कोई भी ऐसा मैसेज वायरल ना करें, शेयर ना करें जिसके बारे में आपको पता ना हो। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो एक बड़ा खुलासा आप समझ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन दिनों में जैसे मंथ चल रहा है अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस मंथ में एक दो साल में कोई ना कोई बड़ी अफवाह जरूर चलती है। पहले एक पत्थर वाला चला था कि इंसान पत्थर के बन गए, लेकिन उसमें कोई सच्चाई नहीं निकली, आपके सामने होंगी वो सारी चीजें। इसके बाद चोटी काटने वाली गैंग चली थी, तो उसमें भी कोई इतनी बड़ी सच्चाई नहीं निकली कि बिल्ली बन गया इंसान, वो बन गया, वो बन गया। हालांकि कहा यह जाता है कि ऐसा हुआ है, लेकिन जैसे बताया जाता कि उस जगह ऐसा हुआ है, वहां के लोगों को पता भी नहीं होता कि क्या हुआ है। तो चीजें ये होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं किडनैपिंग गैंग। सबसे पहले मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, किडनैपिंग जैसी घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं, उसका इन चीजों से कोई संबंध नहीं होता। सबसे पहले आप ध्यान रखें, अपने बच्चों की सेफ्टी करना हमारा कर्तव्य है, अपने बच्चों को अकेला ना छोड़ें। और सबसे पहले अगर आप कहीं भी जाते हैं तो अपने बच्चों की केयर करें, ये हम सभी के लिए जरूरी है। ये ऐसा नहीं कि ऐसे कुछ मतलब वारदात होंगे तभी आप केयर करेंगे, केयर बच्चों की आप करें। इसके बाद कोई भी अगर सामान बेचने वाला आ रहा है गांव वगैरह में, कहीं भी कोई सामान बेचने वाला आ रहा है या मांगने वाले आ रहे हैं, तो उनसे भी आप अपने बच्चों को बचा के रखें, हो सकता है कि वो भी ऐसी किडनैपिंग कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि किडनैपिंग गैंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ देखा जा रहा है, और मैंने जैसे सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस देखी, और इवन मैंने जो ये चैनल देखे हैं बड़े जैसे न्यूज चैनल्स हैं उन पे जैसे खुलासा हुआ है, तो इवन एमपी के अंदर वन विभाग के कुछ अधिकारी थे, वो छापा मारने के लिए गए थे गांव के अंदर, वहां पे कुछ अवैध मतलब काम किया जा रहा था, लेकिन उन लोगों को भी पीटा गया। आईडी कार्ड दिखाने के बाद भी उनको पीटा गया। तो ये दिखाता है कि हमारे लोगों के अंदर कितना डर बैठा हुआ है। डर, इस डर का बहुत ज्यादा लोग फायदा भी उठा रहे हैं। हालांकि न्यूज चैनल पे मैंने यहां तक देखा कि आतंकवादी भी इस चीज को अंजाम दे रहे हैं, मतलब ऐसा डर फैला रहे हैं देश के अंदर। इवन एक वीडियो देखी थी मैंने, जब उस वीडियो का खुलासा हुआ, हालांकि किडनैपिंग थी, बाइक पे कुछ मतलब बंदे आते हैं और एक बच्चे को उठा के ले जाते हैं, लेकिन जब उस वीडियो का खुलासा हुआ तो वो वीडियो पाकिस्तान की थी। और उस वीडियो में क्या था मैं आपको बताना चाहूंगा, उस वीडियो में क्या था, वो वीडियो किडनैपिंग के बारे में अवेयर करने के लिए थी, लोगों को अवेयर करने के लिए कि ऐसे बच्चों को आप खेलने ना दें, इस तरह की वारदात हो सकती है। लेकिन उस वीडियो को हमारे देश के अंदर कुछ मतलब बहुत बड़े महानुभाव लोग हैं, उन्होंने उसे इस तरह शेयर कर दिया। काफी ऐसे लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, बात यह चलती है कि किडनैपिंग गैंग आई। इवन मैं आपको बताऊं, एमपी के अंदर न्यूज वाले गए थे, क्योंकि एमपी के अंदर ऐसी बहुत ज्यादा जगह ऐसा देखा गया, लेकिन वहां जाने के बाद पता चल रहा है वो लोग भी ये कह रहे हैं कि हमने सुना है, देखा किसी ने नहीं है। अब सुनने के ऊपर हम ऐसे मतलब लोगों को पीटने लगे, किसी को मारने लगे, ये चीजें भी गलत हैं। काफी ऐसे लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मांगने वाले होते हैं या मतलब कुछ सामान बेचने वाले लोग होते हैं, उनको बेवजह पीटा भी जाता है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत है। इन चीजों के लिए हम लोगों को सबसे पहले अवेयर रहना चाहिए, बच्चों की केयर करनी चाहिए, और ऐसे किसी पे शक नहीं करना चाहिए। देखो, शक करें, लेकिन उससे पहले आप अपनी जिम्मेदारी से बच्चों को रखें। और ऐसे नहीं कि कोई भी, देखो बच्चों को रोने की आवाज आ रही है, वो हो रहा है, देखो वो चोरों के ट्रिक्स होते हैं, यानी कि हर जगह चोर आ रहे हैं, आप हर आदमी को नजर से ना देखें। अब बात यह आती कि जो वन विभाग के अधिकारी हैं उनको भी पीटा गया, मीडिया वाले गए, एबीपी न्यूज से मीडिया वाले जब वहां पे गए तो उन लोगों पे भी मतलब उन लोगों को भी चोर समझा गया, किडनैपिंग गैंग समझा गया। तो अब ये बताओ कि कौन सेफ है। तो इस चीज का फायदा आतंकवादी लोग या जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते वो लोग, और सबसे बड़ी बात यह होती है ये चीजें गांव में क्यों फैलती हैं,
क्योंकि गांव में लोग भोले होते हैं, इनोसेंट होते हैं, वो जल्दी से लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये चीजें, इन जो ये चीजें चल रही हैं, इनका फायदा उठाया जा रहा है, लोगों के अंदर डर फैलाया जा रहा है, इन चीजों से फायदा उठाया जा रहा है, तो आप इनके बहकावे में नहीं आए। और किडनैपिंग देखो, ये ऐसी घटना है, ये क्या दिल्ली में पहले किडनैपिंग नहीं होती थी? होती थी, कितनी बार किडनैपिंग हो जाती है, आसपास किडनैपिंग हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि वो गैंग ही किडनैप करके लेके जाएगी, हालांकि ऐसे लोग पहले भी होते थे, और ये चीजें बहुत गलत हैं। तो अपने बच्चों की सेफ्टी रखें, इन अफवाहों पे ध्यान ना दें, ये चीजें चलती रहेंगी, अफवाह चलती रहेंगी, लेकिन आप समझदार होके सभ्य नागरिक बने, तभी देश का भला हो सकता है। तो यही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, और अगर मैसेज पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें। और ऐसा कुछ नहीं है, ये चीजें अफवाह हैं, अफवाह का फायदा लोग उठा रहे हैं, लेकिन आप सभ्य बने। तो गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।